तो तेरी मेरी डोरियां सीरियल में आपने देखा कि किस तरीके से अंगद और साहिबा अब करीब आ रहे हैं। जिस वक्त का सबको इंतजार था, जो दर्शक हैं, जो चाहने वाले हैं अंगद और साहिबा, उनकी क्यूट स्टोरी, उनकी जो क्यूट लव स्टोरी है, उसका इंतजार कर रहे थे। लोगों का इंतजार अब खत्म होगा। उन दोनों के बीच अब प्यारी से प्यार की शुरुआत हो चुकी है। जी हाँ, जिस तरीके से पिछले काफ़ी ट्रैक में दिखाए गए थे कि लगातार अंगद साहिबा को सपोर्ट कर रहा है, अंगद को, साहिबा को बचाने के लिए अंगद ने कितने पापड़ बेले, लगातार बहुत सारी चीज़ें दिखाई गई। इधर साहिबा ने भी अंगद का साथ नहीं छोड़ा और लगातार अंगद के साथ बनी रही। उसके बाद अब क्या होता है कि जैसे ही अब अंगद साहिबा को अपने घर लाता, उस दौरान बच्ची का बर्थडे होता है, बर्थडे केक कटा जाता है, तब तक अब मनप्रीत आती है और कहती है कि हमने जो गलती की थी, यानी अंगद और साहिबा की शादी करवाकर, वो गलती को हम सुधारेंगे और अब शादी होगी सीरत और अंगद की, क्योंकि अंगद भी सीरत को पसंद करता था, अंगद की पहली पसंद सीरत थी, तो हम इस गलती को सुधारेंगे। और इधर क्या होता है कि अब सीरत भी साहिबा को बहुत कुछ सुनाती है, तो साहिबा भी डरती नहीं है। हालांकि जब साहिबा आती है अंगद के घर, तो सारे लोग उसको देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। बहरहाल खुश कौन नहीं होता है, तो मनप्रीत और सीरत, ये दो लोग खुश नहीं होते हैं। आपको बता दें कि जो सीरत है वो साहिबा की बड़ी बहन है और बहुत खरी खोटी सुनाती है वो साहिबा को कि तुम्हारे वजह से अंगद को हमेशा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, जब तुम जब साथ में रहती हो तो अंगद को प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, और उसने बहुत प्लानिंग प्लॉटिंग की है, लेकिन उसके प्लानिंग पे पानी फेर दिया है किसने, अंगद और साहिबा ने। तो जो अगला ट्रैक है तेरी मेरी डोरियां का, वो बेहद दिलचस्प है, बहुत ही प्यारा जो एपिसोड है वो होने वाला है, क्योंकि क्यूट लव स्टोरी अब दिखने वाली है। जी हाँ, लगातार वो लोग एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, चाहे अच्छा काम हो या फिर बुरा वक्त हो, लगातार दोनों का साथ दे रहे हैं। और केवल दो लोगों को प्रॉब्लम है, एक मनप्रीत और सीरत को, बाकी जो अंगद घर वाले हैं वो साहिबा को देखकर बहुत खुश हैं।